मंत्रालय की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। सरकार प्रत्येक स्कूल पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में कक्षा संचालित की जाएगी। स्कूल में पढ़ाई के लिए शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में ज्यादा वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्कूल परिसर में ही मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों के बच्चों के ड्रेस कोड भी निजी स्कूलों के बच्चों के जैसे ही होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बताया कि यह स्कूल निजी स्कूल की तरह विश्वस्तरीय सुविधाओं से सम्मिलित रहेंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, स्मार्ट क्लासरूम्स, कैफेटेरियल, NCC आदि मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, कवर्ड कैंपस, स्मार्ट रूम, स्मार्ट क्लास, ITC लैब, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की सुविधाएं रहेंगी। इन शासकीय स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक की कक्षा संचालित की जाएगी। सरकार की मंशा है कि इस मिशन को 5 वर्षों के बीच 2 चरणों में पूरा किया जाए, जहां पहले चरण में 1 अप्रैल 2021 से 1 किलोमीटर के दायरे के सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर तक के दायरे के माध्यमिक विद्यालय को जोड़ दिया जाएगा। 10,000 जो स्कूल है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। उन स्कूलों में प्राथमिकता के साथ में सभी सुविधाएं, सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने की हमारी योजना है, और उसके साथ में कुछ स्कूल हमारे क्लस्टर आधारित होंगे, जिसको हमें अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी हम उनको तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक प्रकार से वो प्राइवेट स्कूलों की बराबरी कर सकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।